मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पूरे देश में उनके साईंस सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में पानीपत में सैकड़ों युवाओं ने इकट्ठा होकर संविधान चौक से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला, अपना रोष प्रदर्शन किया। युवाओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द सिद्धू मूसेवाला को न्याय मिले और उनके हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो। युवाओं का कहना था कि जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है वह हर रात को सो भी नहीं पाए। युवाओं ने पंजाब सरकार पर निशाना खड़ा किया। युवाओं का कहना था कि पहले तो सरकार द्वारा सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी को नहीं हटाना चाहिए था। अगर सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को हटा भी दी थी तो उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था। पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी हटाने के बाद जब यह बात सार्वजनिक की तो उनके दुश्मनों ने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे दिया। अब हर तरफ सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हजारों युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके हत्यारों को फांसी देने की मांग उठा रही है। देखो जी, ये मीडिया है और मीडिया के सामने कोई ये बात बोलता है कि जैसे मैं अभी मीडिया के सामने आ गया, मैं बोलूं कि मैं वैसा था। मैं सिर्फ अपने लाइक या फेम होने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा सिद्धू मूसेवाले जी से दिल से प्यार था। देखो, अपन जिस चीज के बारे हमारे को जानकारी नहीं है, हम उस चीज के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। आज सड़कों पर क्यों उतरे हैं फिर? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उनके कातिल हैं उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई, हमारे को ये लग रहा है कि देखो आज चार पांच दिन के करीब हो गया और कोई पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज़ पे और अखबार में, मोबाइल में, नेट में, इंस्टाग्राम में हर कोई मतलब और कोई पोस्ट ही नहीं थी और सिद्धू मूसेवाले की पोस्ट चल रही थी। पता नहीं जी अपना इंडिया कैसा है कि दो दिन किसी भी पोस्ट को चलाते हैं और दो दिन के बाद फिर अपन जीरो लेवल पे आ जाते हैं कि जहाँ पे हम पहले खड़े हुए हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो दोषी है हम उसको तुरंत पकड़े और उसके ऊपर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करें। पंजाब सरकार का क्या रोल मानते हैं? क्या कार्रवाई पंजाब सरकार का? देखो, रोल क्या है कि पंजाब सरकार ने पहली बात तो उन्होंने सिक्योरिटी हटाने का हक, कि उनको जब ये चीज पता थी कि इसके ऊपर अटैक हो सकता है तो उन्होंने उसकी सिक्योरिटी क्यों हटाई? और जब इन्होंने सिक्योरिटी हटाई तो देखो इनको ना तो न्यूज़ में देना चाहिए था, ना इनको पेपर में देना चाहिए था। इन्होंने सब जगह ये चीज़ें उड़ा दी। ये तो सिर्फ अपने लाइक लेने के लिए और अपने आप को पंजाब में ताकतवर समझने के लिए ऐसा काम करते हैं कि किसी गरीब आदमी की जहाँ जो बहुत ही अच्छा आदमी है उसकी सिक्योरिटी हटाएँ और अगले दिन ही वो वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? तो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि सिद्धू मूसेवाला ने लॉरेंस बिश्नोई का कोई कुट का कोई बंदा था उसको मारा था और जो बना दी थी इन्होंने बदमाशों को, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। नहीं देखो जी, जिस दिन सिद्धू मूसेवाले के साथ ये कांड हुआ उस दिन मतलब हम पूरी रात नहीं सोए। मेरे भाई कुछ ऐसे हैं कि जो पूरी रात भी रोए होंगे और हम तो अभी तक भी रो रहे हैं। हमारे आंखों में आंसू नहीं है कि जो हम उनको बार बहा पाए, कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, जो उनके कातिल हैं उनको जल्द से जल्द अंदर किया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप पता नहीं कि किस पक्ष के आधार पे किया है, क्योंकि एक्चुअल जिस जगह पे ये गोलीकांड हुआ उस जगह की तस्वीर किसी के पास भी नहीं है, ना वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा था, बट उसके पहले थी। उसके पहले जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं वो सब ने देखा, सोशल मीडिया में देखा, इंस्टा पे देखा, फेसबुक पे देखा, टीवी में देखा, बट जहाँ पे मेन रोल था वहाँ की वीडियो किसी के पास नहीं है। क्या आगे भी इस तरह का कोई कार्यक्रम रहेगा आपका? अगर जब तक देखो भाई को इंसाफ नहीं मिलता, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि मैं सिद्धू मूसेवाले जी के घर में भी बहुत बार जा चुका हूँ। मेरा उनसे बहुत ही प्रेम प्यार था। मैं उसकी मम्मी को मम्मी और पापा को पापा बोलता था और मेरे को बड़ा भाई मानते थे। इसी महीने में उनकी शादी थी और मैं तो ये एक इंसान को नहीं, मैं पूरे इंडिया को ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर कोई गरीब परिवार का लड़का नीचे से ऊपर उठता है तो प्लीज़ उसको गैंगस्टरों के साथ मत मिलाओ कि वो गलत करके ही उठ रहा है। अगर मैं तो कहता हूँ कि आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा कि कोई लड़का मेहनत नहीं करेगा, वो बोलेगा मैं अगर नीचे बैठा हुआ तो मैं नीचे ठीक हूँ, अगर मैं भीख मांगना चाहता हूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी भीख ही मांगूंगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।